हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवली क्लासेस। आई एम कुमार सत्यम। और जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था, हमने मरकरी, वेनस और अर्थ तक सारे डिटेल्स देख लिए थे। अब हम यहां से नेक्स्ट प्लैनेट जो कि है मार्स, उससे हम लोग कंटिन्यू करने वाले। तो देखते हैं हम लोग पॉइंट्स वाइज। मार्स को रेड प्लैनेट भी बोला जाता है। क्यों? बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेगा कि मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं, लेकिन क्यों, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वहां पर हमारा आयरन ऑक्साइड मीन्स फेरस ऑक्साइड मिलता है जो कि रेड इन कलर होता है। अब मिलता है तो ये रीजन तो है ही, साथ में इसके साथ एक और पॉइंट जुड़ा हुआ है, क्योंकि मार्स का बहुत ही कम है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये जो आयरन ऑक्साइड है का डस्ट पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही मूवमेंट करता है पूरे प्लैनेट में। तो जैसे ही फेरस ऑक्साइड्स पूरे प्लैनेट में मूव करता है तो डस्ट पार्टिकल्स का रैंडम मोशन होता है, और रैंडम मोशन पूरा पार्टिकल्स फैला होता है पूरा आपके प्लैनेट में, इसीलिए वो शो होता है रेड, इसीलिए इसका नाम रेड प्लैनेट भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अर्थ लाइक प्लैनेट इसको बोलते हैं, इसको अर्थ लाइक प्लैनेट, इसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा ट्विन प्लैनेट या फिर सिस्टर प्लैनेट से, ठीक है, जो कि वेनस है। ये है अर्थ लाइक प्लैनेट। अगर अर्थ लाइक प्लैनेट आए तो वो अलग हो गया, वो मार्स हो गया, और अगर सिस्टर या ट्विन हो गया जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है तो वो हो जाएगा आपका वेनस का। तो देखते हैं क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आइस या फिर आप बोल सकते हैं वाटर फाउंड हुआ है, और इसका जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है वो सिमिलर है अर्थ के, इसीलिए इसे अर्थ लाइक प्लैनेट भी बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। मार्स का जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है मीन्स वो सूरज का एक चक्कर 687 डेज में काटता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। जैसा कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट सिर्फ मून था, उसी तरह इसके दो नेचुरल सैटेलाइट हैं, फोबोस और डेमोस। ठीक है, दो सैटेलाइट हो गए, इसको आप शॉर्टकट जा सकते हैं पीडी से, प्रतियोगिता दर्पण बोले, शॉर्टकट है माइंड में रखने के लिए, ऐसे आपको छोटा वर्ड है तो याद हो ही जाएगा, फोबोस और डेमोस, जिसमें कि डेमोस जो है वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दो नेचुरल सैटेलाइट जो कि मार्स के हैं वो है फोबोस और डेमोस, और साथ ही साथ डेमोस जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा नेचुरल सैटेलाइट है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो हाईएस्ट पॉइंट है ना मार्स का, उस को बोलते हैं हम लोग निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया जो कि 3 times हाइट रखता है माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट का हाइट भी मैंने साथ में लिख रखा आपको 8848 meters। ठीक है, तो इसका 3 times मीन्स माउंट एवरेस्ट का 3 times है निक्स ओलंपिया। क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में कि निक्स ओलंपिया कहाँ है। ठीक है, तो आपको कोई कंट्री का नाम दे देगा, कोई आइलैंड का नाम दे देगा। ठीक है, तो साथ में ये भी रहेगा मार्स में। तो निक्स ओलंपिया सुनने में तो लगता है कि बहुत अच्छा, कहीं किसी देश में होगा, किसी कॉन्टिनेंट में होगा, कहीं पे होगा, लेकिन है कहाँ पे, मार्स पे। और एक रिलेशन आप याद रखिए जो मीटर और फीट का भी, कभी कभी इसको चेंज करके फीट में भी पूछ दे, तो 1 meter इज इक्वल टू 3 feet 3 inches। ठीक है, तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, कहीं मीटर और फीट का भी वो डिस्टिंग्विश करके सवाल होते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लैनेट पे जो कि है जुपिटर। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, पहला। दूसरा पॉइंट है, इसको स्टारलाइट प्लैनेट और विंटर प्लैनेट भी बोलते हैं। स्टारलाइट प्लैनेट बिकॉज ये स्टार की तरह इसमें रिएक्शंस होते हैं और इसका अपना लाइट है, इसीलिए इसे स्टारलाइट प्लैनेट बोलते हैं। और टेम्परेचर इस प्लैनेट का बहुत नीचे चल जाता है, अप्रॉक्स -48°C, इसीलिए इसे विंटर प्लैनेट बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है 9 hours 55 minutes और रिवॉल्यूशन है 11.9 years। ये हो गए इसके टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन और रिवॉल्यूशन। इसके पास 69 अपने सैटेलाइट हैं, जैसे कि अर्थ के पास मून, मार्स के पास फोबोस और डेमोस, उसी तरह जुपिटर के पास 69 सैटेलाइट्स हैं, इसीलिए इसे मिनिएचर सोलर सिस्टम या कहें स्मॉल सोलर सिस्टम भी बोलते हैं। इसके सबसे महत्वपूर्ण 3 सैटेलाइट्स हैं, गैनीमेड,
यूरोपा और अमल्थिया, जिसमें गैनीमेड जो है हमारा वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। तो सबसे बड़ा सैटेलाइट है हमारा जुपिटर के पास, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्लैनेट सैटर्न। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसके पास 7 रिंग्स है, इट मींस जो हमारा प्लैनेट है ये 7 रिंग्स हैं जो कि डस्ट पार्टिकल से बने हुए हैं, इसीलिए इन्हें गैलेक्सी लाइक प्लैनेट भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसे येलो प्लैनेट भी बोला जाता है, जैसे रेड प्लैनेट बोलते थे उसी तरह सैटर्न को येलो प्लैनेट बोलते हैं। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। रेड प्लैनेट किसके प्रेजेंस से बोलते थे? फेरस ऑक्साइड। इसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है 10 hours 40 minutes और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है 29.5 years। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे, जो कि है सैटर्न। इसके पास टोटल 62 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। टाइटन इस प्लैनेट का सबसे बड़ा है अमोंग 62, ठीक है। इस प्लैनेट का, होल सोलर सिस्टम का यहाँ क्रॉस नहीं करेंगे हम लोग, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। विच इसका जो साइज है वो ऑलमोस्ट मरकरी के बराबर है। जितना हमारा प्लैनेट मरकरी है उस साइज का है ये टाइटन। तो ये फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी रेलवे का। अगर दिन भर में 3 शिफ्ट हो रहे हैं और 1.5 महीने एग्जाम चल रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि 3 से 4 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सेलेक्टिव हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन फेवरेट हो जाते हैं, तो ये उनमें से एक है। हम लोग अदर सैटेलाइट्स के कुछ नाम देखते हैं जो कि किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे कि ये किन के सैटेलाइट्स हैं। 4 प्लैनेट के आपको नाम दिए रहेंगे, तो हम लोग इसको देखते हैं। टेथिस, रिया, डियोन, हाइपरोन, ठीक है, लैपेटस और फोब। ये हो गए कुछ अदर सैटेलाइट्स जो कि प्लैनेट सैटर्न के हैं। आज हम लोग क्लास यहीं तक रखेंगे, बाकी के बचे प्लैनेट्स हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियोस पहुंच जाएं। और ये न्यू चैनल है इसीलिए आपके फीडबैक भी ज़रूरी हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में रेगुलरली फीडबैक भी दें, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या हम किस रास्ते जा रहे हैं और क्या हमें अपनी तब्दीली करना है, ताकि आपको और बेटर ढंग से हम समझा पाएं। थैंक यू।